मैंने अभी तक आई थिंक 20 to 21 वीडियोस डाले अपने यूट्यूब चैनल पर, और ये सभी वीडियोस को मैंने अपने फ़ोन से शूट किया हूँ, और एडिट से लेकर अपलोड तक मैंने अपने इसी ही फ़ोन नोकिया 6.1 प्लस से किया हूँ। एंड आज मेरे इस फ़ोन का पूरे 1 साल हो गया, एंड दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट माई फ़ोन नोकिया 6.1 प्लस। कहानी शुरू होती है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। उस वक्त मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सभी के पास स्मार्टफोन हुआ करता था, और मैं भी चाहता था मेरे पास भी एक स्मार्टफोन हो। देन आई रिक्वेस्टेड टू माई फादर टू बाई मी अ न्यू स्मार्टफोन। फिर बहुत पापड़ बेलने के बाद उन्होंने मुझे पहला स्मार्टफोन दिया, विच वॉज सैमसंग गैलेक्सी S7262। इसमें 2 मेगापिक्सल कैमरा है, 512 MB रैम है, 1500 mAh बैटरी है, और ये फ़ोन मेरा साथ दिया जब तक मैं क्लास 10th में था। रैम और बैटरी कम होने की वजह से ये फ़ोन इतना स्लो था कि इससे फ़ोन लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर बहुत दिन विदाउट फ़ोन ही था, और अब तो फिर पापा से फ़ोन के लिए रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते थे। देन आई अप्रोच सम ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स, फिर उन्होंने कहा ठीक है दिला देंगे। देन कुछ दिन के बाद माई एल्डर सिस्टर गिफ्टेड मी दिस फ़ोन नोकिया 105, और ये फ़ोन मेरे 12th के एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प किया। सो थैंक यू फॉर दिस फ़ोन। पर जब 12th के एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो गए थे तो मुझे रिक्वायरमेंट हुई इंटरनेट की फॉर वेरियस रीजंस। देन अगेन आई रिक्वेस्टेड टू माय पेरेंट्स फॉर अ फ़ोन, तो उन्होंने कहा ठीक है दिला देंगे, पर बजट 5K to 6K तक ही होना चाहिए। और इस वक्त मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था मेरे सैमसंग फ़ोन के जैसा। फिर मैंने बोला ठीक है रहने दीजिए, मैं बाद में डिसाइड करके बताऊँगा मुझे लेना है या नहीं लेना है। ऐसा डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है विनीत, वो अपना फ़ोन अपग्रेड कर रहा था। विनीत फ़ोन अपग्रेड इसलिए कर रहा था क्योंकि फ़ोन का हालत कुछ ऐसा हो गया था। ये है इनफोकस, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और ये फ़ोन 4G है और 2 GB रैम है, और हालत कुछ बहुत ज़्यादा नाजुक है। और विनीत ने मुझे ये फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, क्योंकि इस फ़ोन के ही मदद से मैंने यूट्यूब को और बहुत करीब से जाना, और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का आइडिया आया। उसके बाद मुझे इतने रीजंस में से एक और रीज़न मिल गया मोबाइल लेने का। बट इस बजट रेंज में मैं जैसा फ़ोन चाहता था वैसा एक भी फ़ोन नहीं था, और इस बार लिटरली मैं पूरा हार गया था। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा इस बारे में, जब भी लूँगा खुद की मेहनत से लूँगा। देन आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन टू स्कूल स्टूडेंट्स। मैं एक दिन में 7 ट्यूशंस लेता था। फिर क्या, कंसिस्टेंटली 1 साल मेहनत करने के बाद I brought my new smartphone, which was Nokia 6.1 Plus. और साथ में ही खुद के मेहनत से ये ट्राइपॉड और माइक भी, और ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अच्छा वेट, एक सवाल, वाई नोकिया 6.1 प्लस? तो जवाब है नोकिया 6.1 प्लस इसलिए क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से आई वॉज सर्चिंग फॉर अ फ़ोन जिसमें 4K रिकॉर्डिंग हो, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सपोर्ट करे, लेटेस्ट प्रोसेसर हो, और जो मेन है वो है एंड्रॉयड 1 हो। अब एंड्रॉयड 1 किस लिए? क्या आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ गया है? मेरे नोकिया 6.1 प्लस में आ गया है, और ये सब फीचर्स होने के कारण ही मैंने चूज़ किया नोकिया 6.1 प्लस को। जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेहनत मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखा दिया। और जब ये फ़ोन 5th February 2019 शाम के 6:30 बजे के अराउंड मेरे पास आया था, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। आप
खुद ही देख लो। चलो लो अब माय गॉड और कुछ नहीं दिया दिया है सुपर So this was my story, how I brought my first smartphone, my Nokia 6.1 Plus. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और I am sure कि मेरे जैसा ही बहुत से लोग होंगे जो कुछ चाहते हों, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, मेहनत करके खुद खरीदें, उस चीज़ का खुशी कुछ और ही होता है. ऑल द बेस्ट सभी को. और अभी मेरे एक रिलेटिव का शादी हो रहा है तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरे बचपन के भी फ्रेंड होंगे तो कोशिश करूँगा मिलवाने का. रात के 9 बज रहे हैं और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन शादी में जाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बचपन का फ्रेंड मिलेगा और भोज भी खाना है, गिफ्ट भी रेडी है, तो ठीक है मिलते हैं शादी में. हाँ भैया, हम भोज खा लिए और इसी फील्ड में हम लोग बचपन में खेला करते थे और ये हमारे कैप्टन और बचपन के फ्रेंड. हाय फ्रेंड्स, ये देवाशीष, सेक्सीस्ट बॉय ऑफ साहिबगंज. हाँ तो हम घर आ गए हैं, तबीयत पहले से बेहतर लग रहा है और बचपन के फ्रेंड से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा. अब ब्लॉग को मैं एडिट करूँगा, फिर अपलोड में लगाऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. गुड नाइट.